नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे गोभी की फसल में ब्राउनी रोग नियंत्रण के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि आपकी फसल में अगर फंगस वाले रोग लग रहे हैं, आपके गोभी का जो फूल है वो सड़ रहा है, ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने घंटी के निशान को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा। इन रोगों से पहले ही छुटकारा पाने के लिए आप नर्सरी उगाते समय बीज को उपचारित जरूर करें और जिस मिट्टी में आप नर्सरी उगा रहे हो उस मिट्टी को भी शोधित करें। कैसे नर्सरी उगानी है स्वस्थ और रोगरोधी, इससे जुड़ा वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में जाकर के आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जब आपकी फसल 35 से 40 दिन के बीच में हो तब आपकी जो गोभी का फूल है उसमें ब्राउनी रोग दिखाई दे रहा हो। ब्राउनी रोग उसमें जो फूल होता है गंदा दिखाई देता है, अन्य जितने भी फूल होते हैं काफ़ी स्वस्थ दिखाई देते हैं और सफ़ेद वाइट दिखाई देते हैं। और जो ब्राउनी रोग से ग्रसित पौधा आपका होगा, जो फूल होगा वो हल्का गंदा दिखाई देगा और भूरे टाइप का आपका दिखाई देगा। धीरे धीरे यह रोग विकसित होकर और आपकी फसल में सड़न भी इत्यादि की समस्या आ सकती है, जिससे आपकी जो फसल है वो बिल्कुल ख़राब भी हो सकती है। इसके लिए आपको अपनी फसल में 20% वाली बोरान को 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ में स्प्रे करना है। ये स्प्रे आपको दो बार करने हैं 15 दिन के अंतराल पर, जिससे इस रोग से आप छुटकारा पा जाएंगे। अगर आपकी फसल में फंगस वाले रोग दिखाई दे रहे हैं, सड़न इत्यादि की समस्या हो रही है, तो उसमें आप कुछ फंगीसाइडों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका हम नाम आपको बता रहे हैं। इन सारी दवाओं को अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। यहां पर हम आपको कुछ फार्मुलेशन की दवा बता रहे हैं, इनको आप अपने यहां भी खरीद सकते हैं, जिसमें है कार्बेंडाजम मैंकोजेब 4 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रयोग करना है। कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा टेट्रीकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे अच्छी जो बेस्ट दवा है, महंगी तो थोड़ा ज़रूर है लेकिन काफ़ी अच्छा काम करती है, इसको आप आमिस्टार टॉप नाम से खरीद सकते हैं, जिसको आपको 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना है। अगर आप दो बार इसका स्प्रे अपनी फसल में कर देते हैं तो कैसा भी रोग फंगस का हो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इससे जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप ऊपर आई बटन में जा सकते हैं, उससे संबंधित हमने वीडियो बनाया है, कितने की मिलती है और कैसे क्या होता है, कौन कौन से फार्मुलेशन होते हैं, पूरी डिटेल से उसमें बताया गया है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी कि अगर आपकी गोभी की फसल में फंगस वाले रोग हैं या ब्राउनी रोग है तो उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई जानकारी या सुझाव है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।